हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल ऑफ फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्लस प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं और ऐसी वीडियोस आपके लिए करके आता हूं जिसका जानना आपके या आपके परिवार के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। यहां पे आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ड्रॉप का जो कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में आपको इससे जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारियां बता दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इससे ज्यादा यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी और अगर इसका यूज ही करते हैं रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं आज के इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है किडरिच D3। बेसिकली ये एक विटामिन D3 का ड्रॉप है। तो विटामिन D3 क्या है, इसका रोल क्या है, उसको समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन एक बात और कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो डेवलप हो रहे होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बर्थ, उससे लेकर के जब वो बड़े होते जाते हैं तो उनका शरीर का शारीरिक विकास अच्छे से होना चाहिए। विटामिन D3 की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। तो यूं तो विटामिन D3 आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये विटामिन की कमी को पूरा करता होगा, स्पेशली फेस्ट ऑफ विटामिन डी। लेकिन ये जितना कमी विटामिन डी की पूरा करता है उसी के साथ में ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी फास्ट करता है। हमारे बॉडी में, शरीर में जो पूरी स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना है, पूरा जो आधार है वो बोन पे टिका हुआ है। हड्डियां ही इसको एक आधार दे रही हैं, वरना हमारा शरीर इस तरीके से झुक जाता या मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ना केवल बोन बल्कि हमारे जो दांत हैं वो भी कैल्शियम के एक महत्वपूर्ण घटक के एग्जांपल हैं, उन्हीं के थ्रू ये बने हुए। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि या तो आपके बोन को या तो आपके टीथ को प्रॉब्लम होने वाली है। बोन मतलब हड्डियां, उनको स्पॉन्जीनेस होने शुरू हो जाएगा, वो खोखले होने शुरू हो जाएंगे, कमजोर होने शुरू हो जाएंगे और इसके कारण से थोड़े थोड़े चोट लगने पर भी हड्डियों में पेन हो सकता है या हड्डियां फ्रजाइल हो सकती हैं, टूटने योग्य हो सकती हैं। और आप अपने बच्चे को कैल्शियम की भरपूर खुराक देने के लिए आप उनको दूध, अंडे या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है उसे आप देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम बिना प्रेजेंस ऑफ विटामिन D3 के एब्जॉर्ब होना उतना संभव नहीं है। तो अगर आप कैल्शियम को देना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, तो साथ में विटामिन D3 भी एक सप्लीमेंट के रूप में देना चाहिए। यूं तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में हमको फ्री में बहुत आराम से मिलता है, लेकिन आज के सिनेरियो में यह प्रैक्टिकली देखा गया है कि हम सन के एक्सपोजर में ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं। हम मोस्ट ऑफ द केसेस इंडोर वर्क करते हैं तो सूर्य के प्रकाश में समय दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। और अगर आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो वहां कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आज के डेट में निकलने लगे हैं जिससे हमारी स्किन को थोड़ा सा डैमेज भी हो सकता है। तो ओवरऑल कहा जाए, खासकर छोटे बच्चों के रेस्पेक्ट में, तो उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी होने लगती है और साइमल्टेनियसली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी फर्क आता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि उनकी हड्डियां कमजोर ना हो, बोन स्ट्रांग हो, ऑस्टियोपोरोसिस की कोई प्रॉब्लम ना हो या इसी से संबंधित कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए डॉक्टर्स आपके बच्चे को विटामिन D3 की खुराक का सजेशन करते हैं। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये 800 IU पर ML है, मतलब 800 इंटरनेशनल यूनिट पर ML के हिसाब से। मतलब अगर आप 1 ML इसका देते हैं तो आपके बच्चे को 800 इंटरनेशनल यूनिट मिलेगा। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 400 वेरिएंट भी आता है और उससे ऊपर 800 से ऊपर का भी वेरिएंट आता है। तो कोई भी प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है। ये कितना अमाउंट में क्लेम करता है विटामिन D3 को, उसका स्ट्रेंथ कितना है इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंगली, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपके डॉक्टर आपके बच्चे की कंडीशन के हिसाब से आपको ड्रग का डोज वाला यूनिट प्रिस्क्राइब करते हैं। सपोज अगर मैं इसी की बात करूं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया है आपके बच्चे के रिस्पेक्ट में, तो इसका डोज उनसे पूछिएगा जरूर। अगर वो बच्चा 1 साल से छोटा है तो जनरली इस 800 इंटरनेशनल यूनिट का हम 0.5 ML देते हैं और अगर इससे ऊपर के हैं तो जनरली 1 ML देते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा ये जनरली है, ये सबके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर। क्या आपके बच्चे को बोन से रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है या उसमें विटामिन D3 की कमी कितने लेवल पे है, कैल्शियम की कमी कितने अकॉर्डिंगली है, उसके हिसाब से हम डोज को पूरा कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं और आप हैं, हम दोनों इंसान हैं, अगर एज भी हमारी सेम है, तो मुझे और आपको क्या खाना है, कितना खाना है, वो एक जैसा तो नहीं होगा। डिपेंडिंग अपॉन द भूख, अगर मैंने जस्ट अभी आधा घंटा पहले कुछ खाया होगा तो मेरी भूख उतनी नहीं होगी क्योंकि मेरे पेट में ऑलरेडी फूड प्रेजेंस है। जबकि आपने अगर कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया तो आपकी भूख ज्यादा
ज्यादा होगी। तो दोनों को बराबर डोज देना ये जस्टिफाइड नहीं करता। वैसे ही अगर एक ही ड्रग का अलग अलग बच्चों पे यूज करना है तो उनका डोज उन बच्चों के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने जैसा कहा कि बच्चा एकदम नॉर्मल है, उसको कोई कमी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड डोज है एक साल से कम बच्चों के लिए 0.5 ml दिया जाता है, जैसे एक साल से क्रॉस करते हैं उनको 1 ml दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा मैं इस 800 इंटरनेशनल यूनिट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। 400 इंटरनेशनल यूनिट वाला पैकेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका डोज डेफिनेटली 1 ml होगा, क्योंकि इसका आधा अगर आप कर रहे हो तो 400 मिल रहा है, तो उसको आपको पूरा देना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन D3 प्रेजेंट इन द ड्रॉप उसका डोज कैलकुलेट होता है। आगे बात करते हैं, जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं तो उनके शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका बॉडी मास भी बढ़ रहा होता है, हाइट भी बढ़ रही होती है रेस्पेक्टिवली, तो वहां पे उनको मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए। और उस समय जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो न्यूट्रिशन किसी फूड के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाते, डेफिनेटली वो लैक्टेशन पे डिपेंड होते हैं। मदर जब लैक्टेशन करवा रही होती है तो उनके मिल्क को यूज करते हैं जिनमें से उनको काफी कुछ मिल जाता है। तो अगर मदर को भी कैल्शियम की डिफिशियंसी है, मदर को भी अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा। दैट इज वाई अगर मदर में भी इशू है तो वो बच्चों को दिया जाता है ताकि रेक्टिफाई हो सके। इस तरीके से बच्चा केवल मिल्क पे डिपेंडेंट है, अदर कोई सोर्स वहां पे है नहीं। उस मिल्क में प्रेजेंट कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाने के लिए ये दवाइयां जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसके जो बेसिक यूजेस हैं मैंने आपको बता दिया, अब आपको मैं बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। ये जो है वे एक रिप्लेसमेंट थेरेपी के हिसाब से काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखें कि ड्रग कैसे काम करता है, उसके अनेक प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है रिप्लेस करना। मतलब अगर आपके घर में कोई चीज डिफेक्टिव हो गई है, वो बन नहीं सकती, तो आप उसको रिप्लेस करते हो। अगर आपके घर में कोई चीज है नहीं तो किसी दूसरे जगह से ला करके उसी कमी को पूरा करते हैं, जैसे सिंपली रिप्लेसमेंट। सो हमारे बॉडी में अगर विटामिन D3 की कमी है जिसके कारण से फर्दर एक्शन अफेक्ट हो रहा है लाइक कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, तो हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं बाहर से कैल्शियम को दे करके, या तो आप बाहर से विटामिन D3 को दे दो। तो अगर आप बाहर से कैल्शियम दे रहे हैं तो कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर से बात आ जाती है कि अगर विटामिन D3 कमी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तो हिंडर हो रहा है, इसीलिए आपको साथ में विटामिन D3 कैल्शियम के साथ देना चाहिए, और इससे आपके बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे काफी अच्छा असर पड़ता है। ऑल्दो कोई भी मेडिसिन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, जैसे मैं हर बार कहता हूं आपको के पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, उनके इंडिविजुअल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो ड्रग का डोज डिसाइड करते हैं डॉक्टर के द्वारा, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। बात तो हो गई आपके ड्रग की, और इसका जो प्राइस है डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया गया है वो वेरिएबल है। ऐसे कई प्रोडक्ट आते हैं जिनका प्राइस वेरिएबल है, इसमें प्राइस का ये है कि ये 150 rupees का है, ये 15 ml का ड्रॉप है, 150 rupees का है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग। मैं अपने बच्चों के लिए ये काफी समय से यूज कर रहा हूं, लगभग बोल दीजिए 1 साल हो गए हैं इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा ब्रांड मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। तो अब तो यू है कि आपके डॉक्टर आपको कौन सा प्रिस्क्राइब करते हैं। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल यूनिट में उसका जो क्वांटिटी है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंगली डोज का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। सो एट द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।